की न मन रहो जाट हो सहर जो जाट की न मन रवा हो जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दशहरा। और भाई, हमारे में तो दशहरा सिंपल सा ही रहता है, पता नहीं दिन में क्या करने वाले हैं, नॉर्मल सा ही कुछ होएगा। कुछ ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, क्योंकि दशहरे पे रामलीला का पता नहीं है, कहीं बाहर तो होती है, यहाँ गाँव वाँव में तो नहीं होती, बाहर होती है। और फिर वही देखने जाने का कोई पक्का है नहीं, तो देखते हैं अगर कहीं का प्रोग्राम बनेगा तो बच्चों को दिखा के लाएंगे, बाकी शोर है नहीं। तो अभी उठे तो काफ़ी देर के हुए हैं, बट अभी मैं जा रही हूँ किचन में, किचन का काम करने। देखते हैं, कुछ बनाती हूँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा। पवित्र, दादी को दो टमाटर देना बेटा। माँ से टमाटर कटवा लेती हूँ। और भाई, शॉप पे जाऊंगी, जल्दी जाया करूंगी, अब काम होता है इसलिए। गाइस, तो चलो गाइस चलते हैं किचन में। तो गाइस, माँ को दे देते हैं टमाटर कटवाने के लिए। कौन आया है लिए काट ले टमाटर। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा साधु। गाइस को भी कर दे, हाँ उठा दे, पानी पिला दे। चलो उठा लाओ, ये फोन छीन लो इनका। ये देखो, क्यों दिखा रहे हो? क्या देख रही है? क्या है ये? पता नहीं क्या देखते रहते हैं। तू भी देखता है इनकी तरह। अरे लड्डू, ओए लड्डू लड्डू लड्डू, ओए लड्डू लड्डू लड्डू, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो सार्थक को। नाना क्यों उठा रही है? आगे आगे से निकाल ले। गाइस पवित्र लगा रही है झाड़ू। पवित्र, झाड़ू लगाने से पहले साफ कपड़ा लेके कानू के दरबार की डस्टिंग कर दे, तब आगे बढ़िया। झाड़ू को लेके एक साफ वो लेके डस्टिंग कर दे। हैं, एक सेकेंड रुक जा, दो मिनट पकड़िए। हैप्पी दशहरे लड्डू। राधे राधे कन्नू, राधे राधे लड्डू। एक लड्डू ये आ गया भाई, और एक लड्डू ये रहा हमारा, दो दो लड्डू हमारे। ये एक लड्डू नटखट, ये दूसरा लड्डू, ये छोटू नटखट है ना, नटखट नटखट। ये क्या ले रखा है तूने? चाटू दिखा, ये कैसा फोन? इसके पीछे से चीज निकलती है इसके अंदर। अच्छा, वो दाने वाने सोंग वो पाती होंगे ना, पता ना बच्चों को क्या 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 आता रहता है ना। और आईफोन है, छोटा मोटा नहीं गाइस, सार्थक ने खरीदा है आईफोन। यही थंबनेल डालेंगे, या हमारे सार्थक ने लिया आईफोन है ना सार्थक। और देखो, देखो गाइस, और देखो गाइस, आप क्या हमें गरीब समझते हो? हमारे पास बहुत पैसा है, दिखाऊं आपको? दिखाऊं, ये देखो इतना पैसा हमारे पास, इतना है किसी के पास है? और ये नोट तो आपके लोगों के पास भी नहीं होंगे इतने सारे, किसी को चाहिए तो भाई आ जाना, इतने सारे पैसे हमारे पास, नोटों की बारिश। चल, सो गाइस, आज बनेंगे थोड़े से चावल और सब्जी और रोटी में, तीनों चीजें बनेंगे। तो चावल के लिए पतीला तो है ही नहीं, ए वो दूध वापस ही ला नहीं रहता रखा। पवित्र यही काम करती है। सो गाइस, किचन का काम ऑलमोस्ट होने वाला है, दिखा देती हूँ आप लोगों को। रोटियां इधर बन गई है, बस ये लास्ट रहती है और जल जाएंगी, आप लोगों को दिखाने के चक्कर में। तो ये कर दिया है, इधर चावल तैयार है, इधर है सोया बड़ी की सब्जी, सब रेडी हो गया है। और अब बस रोटियां बची है लास्ट, के बाद मैं सीधी तैयारी करूंगी शॉप पे जाने की। और आप लोग भी खा सकते हो चपाती, देखो गोल गोल सुंदर सुंदर। तो ये आटा बच गया, इसको मैं रख दूंगी अभी।
थोड़ा ज्यादा ये एक रोटी का होता तो मैं बना देती, बट ये थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको रख देती हूँ। हेलो गाइस, तो मैं हूँ अभी शॉप पे। आप लोग क्या कर रहे हो गाइस? तो मेरे तो बाल बाल बिखरे हुए हैं क्योंकि काम कर रहे थे भाई, बिजी थे, और अभी भी मैं काम ही कर रही हूँ। दिखाती हूँ आपको, निकाल रही हूँ ये देखो, चूड़ियाँ वगैरह मिला रही थी कस्टमर की, बैठ के सेट वेट बना रही थी। और बार अभी है ना हमारे यहाँ से रामलीला की वो निकलती है, आपको दिखाऊंगी झाकी, मैं ऐड कर दूंगी वीडियोस, झाकी निकलती है बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं रामलीला के वो पार्ट वगैरह, मतलब थोड़े से ऐड कर दूंगी इसमें, आप लोग देख लेना और इंजॉय करना गाइस। चुके हैं घर, और जाकी मैंने आप लोगों ने देख ली होगी इस तरीके से जाकी निकली थी खरखोदा में, गांव में तो निकलती नहीं, बच्चे तो देख नहीं पाए। मैंने बोला था हमारे यहाँ तो सिंपल सा दशहरा होता है, कुछ होता नहीं है, और एक जगह जाने का बहुत दिनों से सोच रहे गाइस वहीं नहीं जाया जाता, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है जाना, मेरे हाथ में हो तो मैं तो तभी चली जाऊँ। और देखते हैं अभी, और पवित्र इधर पढ़ाई कर रही है। पवित्र ना, हाय गाइस, मैं पढ़ रही हूँ एज ऑलवेज, और वहाँ पे फोन की पढ़ाई हो रही है, और कन्नू को यहाँ बिठा दिया है, कन्नू देख रहा है सबको फोन क्या कर रहा है कन्नू देख रहा है। अब आपके स्कूल में दे दिया आपने प्रैक्टिकल्स करने हैं?
अभी तो क्या बोल रही थी वो तो बोल। हाय गाइस, तो मैं अभी मशीन में कपड़े डाल रही हूँ, वही कपड़े धोने हैं, देखती हूँ कौन से गिरेंगे। मशीन लगा रही हूँ, कहने का मतलब ये है कि मशीन लगानी है, तो चलो मशीन लगा लेते हैं। लाइट से कलर के ही हैं सारे कपड़े, डाल देती हूँ फटाफट से। वेट गाइस, अब गाइस ये देखो हम कहाँ गए। तेज बोल रहे पंखे में तेरे की। हेलो गाइस, ना सुने। हेलो गाइस, ले दीपक कितने पड़ रही है अंधेरे में। आंटी वो गाइस इनका नया नया मकान बन रहा है, अभी तो अधूरा है, अभी काम चल रहा है। और ये देखो हमारा बच्चा है, कल दिन में पवित्र दौर चली जाए ना, पेट धारे वानु कह दे के आई दिन मां आ जाएगी। ठीक है, और लड्डू गाइस को बोल दे हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा गाइस। हां दादी, राम राम। राम राम। ठीक हो? हां पकड़िए पूरे नाम खेलते थे बोट के अंडे जब मेरे लिए खेल आई थी दादी। सेम वो है कौन देखो गाइस संस्कारी हो। और ठीक हो? अच्छा लो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ वापस कविता से मिलके, और अभी टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं रात के, तो अभी बस सोने की तैयारी करेंगे। और कविता है ना अभी आई थी थोड़ी देर पहले, अभी तो उनकी छुट्टी नहीं हो रखी, तो बस वो खड़ी खड़ी आई थी, कुछ काम आए होंगे तो उसके सूट वगैरह सिलने दे रखे थे वो देने थे, और बस मिल के आई थी इसलिए गई थी उनके घर। और यहाँ पे गांव वाले उनके घर में लगी हुई चिनाई, मकान बन रहा है उनका। गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और आज चल रही है सफाई, और पवित्र राणा कर रही है फ्रिज की सफाई। पवित्र क्या कहना चाहोगे गाइस को? क्या कहूँ, फ्रिज की सफाई। गुड मॉर्निंग, रुक जा भाई कैमरा। तो गाइस तो ये देखो क्या चल लाओ, मैं थंबनेल ले लेती हूँ। अब देख इधर, इधर देख इधर, लाइट ऑन कर, ऐसे अंधेरा भाई मुझे नहीं लेना। ये गाइस हमारे अब रोशनी मिलेगी आपको पूरे ब्लॉग, क्योंकि मैंने दोनों तरफ लाइट करवा दी है दोनों तरफ। अब देख बोल अब गाइस को। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, बाहर के अच्छे से कपड़ा मारियो, डब्बे जो हो रखे ना वो सारे वो कर दियो, और इसको भी निकाल। देख इसको बेटा, इसको भी निकाल यहाँ के, इसको खोल के किनारे का, फ्रीजर व्रीजर के किनारे विनारे अंदर से अच्छे से साफ करिए, फ्रीजर को भी हैं, कुछ भी मत छोड़ना। तो गाइज मैं आपको सीधा भी शॉप पे जाके मिलूंगी, तब तक मैं आपको फेस नहीं दिखा रही हूँ। और ये यहाँ पे टाइम पास कर रही है, इसको कोई काम नहीं है। तो हाय गाइज मैं हूँ अभी शॉप पे, और शॉप पे आ गई थी, और आप लोगों ने व्लॉग में देखा कि रामलीला का यहाँ से कैसे झांकी वगैरह निकलती है, कल निकली थी। और अभी मैं हूँ शॉप पे, और अभी मैं ना ऊपर आई थी थोड़ी देर के लिए, और नीचे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि गाइज आपको पता है करवा चौथ नज़दीक आ रहा है, तो अभी बहुत काम होता है इस टाइम पे, तो व्लॉगिंग का इतना टाइम नहीं मिलता है इस टाइम पे। और बाकी मैं कुछ क्लिप इस वाले व्लॉग में तो नहीं ऐड करूँगी, ये व्लॉग रहेगा काफ़ी छोटा, जैसे मेरे व्लॉग होते हैं थोड़े बड़े, तो अभी ये वाला छोटा रहेगा, क्योंकि मेरा डेली व्लॉग नहीं डलता, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा व्लॉग डालती हूँ, 2-3 दिन का करके मैं व्लॉग डालती हूँ आपको पता है, तो ये वाला व्लॉग रहेगा छोटा। तो अभी मैं वापस जाऊँगी नीचे, और नीचे हो रखा है काम ज़्यादा ही, तो
अभी ऊपर आई थी। और आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइज अभी लाइक कर लो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। छोटी सी मैंने क्लिप्स ऐड कर दी थी कि कैसी यहाँ से चाक्की वगैरह निकलती है। बाकी हमारे गांव में कोई ऐसी मतलब दशहरा ऐसे बड़े उस पर नहीं मनाया जाता, तो बच्चे वगैरह नहीं गए थे। और बाहर देखने जाने का अभी तो फ़िलहाल टाइम बिल्कुल नहीं था गाइज। अभी हमें ना किसी रीज़न की वजह से ना ये हमारा एक टूर कैंसिल हो रहा है। मैं मतलब हम आपको के साथ रहा एक लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। और कई बार प्लान बन चुका है लेकिन हर बार कैंसिल हो जाता है। शायद भगवान अभी चाहता ही नहीं कि अभी हम जाएं, तो अभी हम वहीं जाने की वेट में हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर सी लोकेशन है और हम सबसे पहले अभी वहीं जाना चाहते हैं। तो जल्दी ही कोशिश करेंगे जाने की, अभी किसी रीज़न से नहीं जा पा रहे हैं। तो इस वाले व्लॉग को गाइज यहीं पे करते हैं एंड और मिलेंगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। वैसे गुड नाइट अभी हुई नहीं है बट गुड नाइट। और वीडियो को गाइज लाइक ज़रूर कर दिया करो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। गाइज आप लोग शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ शेयर किया करो। मिलेंगे नए व्लॉग में, बाय बाय।